नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। हाल में अपडेट हुई रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लड़कों के 11.3 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21.1% विवाह कानूनी आयु से पहले हो रहे हैं, लेकिन स्थिति को यदि राज्यवार देखें तो हालात कहीं ज्यादा चिंताजनक है। बिहार की स्थिति सर्वाधिक गंभीर नजर आती है। राज्य में 3.5% लड़कों के विवाह कानूनी उम्र से पहले हुए हैं, लेकिन यदि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों का प्रतिशत देखें तो यहाँ के गाँव में 34.3% और शहरों में 18.3% है। राष्ट्रपति से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। मां के निधन की सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंच गए थे और मां के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग लिया। मां को कंधा देते वक्त पीएम मोदी काफी भावुक दिखे। देश भर के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जीविका मॉडल की कहानी सुनेंगे। इसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनी को हुए लाभ के बारे में जानेंगे। यह सम्मेलन 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली में होना है। बिहार में जीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनी की बदली कहानी अब देश भर के लोग जान सकेंगे। दिल्ली के अगले 5 से 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होने वाले में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में बिहार द्वारा इन दोनों विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया है। खबरों के मुताबिक उनकी कार रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास रेलिंग से टकरा गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी कार वहीं पर जलकर खाक हो गई। पंत इस भीषण एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जनता के पैसे से नीतीश कुमार अब ऐश करेंगे और उन्हीं के पैसे को खर्च कर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री जमा खान नीतीश कुमार के बचाव में उतरे और कहा कि बिहार सरकार विमान खरीद रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा। अगर साधन नहीं रहेगा तो जनता के बीच में सरकार कैसे पहुंचेगी, उनकी समस्याओं को कैसे जानेगी। हमने कभी प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले 4-4 हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं पूछा। मंत्री जमा खान ने कहा कि अगर बिहार सरकार जहाज खरीद रही है तो उन्हें दिक्कत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा है कि देश भर में नागरिकों द्वारा आधार के उपयोग में निरंतर प्रगति देखी जा रही है। अकेले नवंबर में आधार का उपयोग कर 28.75 करोड़ ईकेवाईसी लेनदेन पूरे किए गए हैं, जो पिछले महीने की तुलना में 22% की अधिक है। नवंबर 2022 के अंत तक ईकेवाईसी के जरिए होने वाले लेनदेन की कुल संख्या 1,350.24 करोड़ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई को लेकर पीएम सरकार पर कड़ा हमला किया है और कहा है कि इस साल जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे जन सामान्य के जीना दुभर हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, मोदी जी, एक साल में गैस सिलेंडर 200 रुपए महंगा हुआ, दूध के दाम औसतन 10 रुपए बढ़े हैं, तूर अरहर की दाल 10 रुपए महंगी हुई, खाद्य तेल 15 से 20 रुपए तक महंगा हुआ, आटे के दाम 25% तक बढ़ गए। प्रति व्यक्ति सिम कार्ड की संख्या को लेकर सरकार ने एक नियम तय किया था, लेकिन आज भी लोग नियमों को दरकिनार कर एक ही आधार पर कई सिम यूज कर रहे हैं। पिछले साल दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन की जो समय सीमा दी थी उसकी डेट समाप्त हो गई है। ऐसे में जिस भी व्यक्ति के पास 9 या उससे ज्यादा सिम एक नाम पर एक्टिव है उन्हें रद्द करने की कार्रवाई दूरसंचार विभाग करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए साल पर यानी 1 जनवरी को देश में अवैध रूप से चल रहे सिम कार्डों को रद्द किया जाएगा। नेपाल के नव निर्वाचित पीएम पुष्प कमल दाहाल क्या विदेश नीति अपनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। उनके पिछले कार्यकाल में उन पर चीन समर्थक होने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि वह नेपाल को केंद्र में रखकर दुनिया के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। एक भारतीय टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से ही प्रो नेपाली पॉलिसी पर चले हैं और उनका मकसद भारत चीन समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना है। आज यानी शुक्रवार को सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिला। भारत में आज 22 कैरेट प्रति ग्राम 10 ग्राम सोने का भाव 50,500 रुपए है। बीते दिन यानी 29 दिसंबर को सोने का दाम 50,300 रुपए था, यानी दाम में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 55,080 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 54,860 रुपए प्रति ग्राम था। केंद्र सरकार 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। कोरोना महामारी के बाद भारत की घरेलू इकोनॉमी की हालत काफी सुधरी है और अब ये अच्छी स्थिति में है। हालांकि ग्लोबल स्तर पर अभी भी इकोनॉमी में सुस्ती दिखाई दे रही है, जिसका असर भारत के विदेशी व्यापार संतुलन पर पड़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा है, वहीं इस मोर्चे पर भारत के लिए आज भी राहत भरी की खबर है। देश में धीरे धीरे कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गया है। पिछले एक महीने से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के 200 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। देश में आज कोरोना संक्रमण के 250 से भी कम नए मामले सामने आए हैं।
दुनिया भर में नए सिरे से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब लीनेज BF7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन में कोरोना संक्रमण के हाहाकारी स्तर पर बढ़ते मामलों के बीच भारत फिर एक अच्छी खबर दे रहा है। भारत ने SARS-CoV-2 वायरस के एक नमूने को सफलतापूर्वक अलग कर लिया है जिसमें BF7 है। अब देश में उपलब्ध कोरोना वैक्सीन को इस पर प्रभाव को जाना जाएगा। इस तरह जनवरी में भारत में कोरोना मामलों की जो उछाल की आशंका जताई जा रही है उससे मुकाबला करने में भारत मदद मिलेगी। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं और ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ट्रेन के किराए में मिलने वाली छूट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है। नए साल 2023 में आपके किचन का बजट गड़बड़ ना हो इसकी पूरी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। किचन के बजट को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले तेल और दाल पर सरकार की विशेष नजर है और इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए बाजार में इन खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने कम आयात शुल्क पर पाम तेल मांगने की छूट दी है तो दालों के आयात के लिए फ्री इम्पोर्ट पॉलिसी को एक साल और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कपास के आयात पर शुल्क भी खत्म कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गए 2 से अधिक साल का समय हो गया है। उनका केस आज भी फैंस के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब एक बार फिर इस केस की परतें खुल गई हैं जिसकी वजह कपूर हॉस्पिटल के मोर्चरी सर्वेंट रूप कुमार शाह को एक दावा है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं थी बल्कि मर्डर थी। उनके इस दावे के बाद एक बार फिर मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। अब मुंबई पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। ग्रामीण इलाकों के लिए डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी किसानों को आर्थिक मदद करती है। किसानों को इसके लिए सरकार से आसानी से लोन भी मिल जाता है। भारतीय स्टेट बैंक भी किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन देती है। इसके लिए आपको भारतीय स्टेट बैंक के नजदीकी शाखा से संपर्क करना होता है। इस लोन की सबसे खास बात है कि किसानों को इसके लिए अपनी कोई संपत्ति गारंटी के तौर पर गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। नए साल से किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए KYC देना जरूरी होगा। इसके बिना ग्राहक कोई भी पॉलिसी नहीं खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा है कि 1 जनवरी से जीवन बीमा, वाहन और स्वास्थ्य समेत सभी तरह की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को KYC देना जरूरी होगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री जनधन खाता स्कीम के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि सरकार जनधन खातों पर ₹10,000 बिना बैलेंस के निकालने की भी सुविधा देती है। हालांकि आज देश में करोड़ों की संख्या में जनधन खाते खुल चुके हैं लेकिन ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में 70% से ज्यादा लोग आज भी अनजान है। आपको बता दें कि जनधन खाता योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार चाहती है कि हर गरीब का बैंक में खाता होना जरूरी है ताकि सरकार से मिलने वाली मदद सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच सके। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह रोजाना लाखों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। ट्रेन से खुद सफर करने के अलावा कभी कभी हमें इससे कुछ सामान भी एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाना पड़ जाता है। आप जिस ट्रेन से सफर करते हैं उससे अपनी बाइक को भी दूसरे शहर भेज सकते हैं। भारतीय रेलवे के जरिए ऐसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना एक अच्छा और सस्ता विकल्प होता है। रेलवे कुरियर की जरिए आप आसानी से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा सिक्के हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंक खाते में सिक्के जमा करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि ग्राहकों द्वारा बैंकों में सिक्के जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बैंक अपने ग्राहकों से कितने भी सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि आप अपने बैंक खाते में सिक्कों के रूप में कोई भी राशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगर आपके पास लाखों रुपए के सिक्के हैं फिर भी आप आसानी से अपने खाते में जमा कर सकते हैं। अगर कोई बैंक सिक्के स्वीकार नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालन को सुगम बनाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर स्थित मऊ साहगंज खंड के सठियाव, आजमगढ़, सरायरानी, फरिया स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए 28 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक प्री नॉन इंटरलॉक एवं 8 से 10 जनवरी 2023 तक नॉन इंटरलॉक कार्य करने जा रहा है जिसकी वजह से पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाले ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को बदले हुए रूप से चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। आपके पास 1,000 से 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ 31 तारीख तक रिटर्न फाइल करने का आखिरी वक्त बचा है। आमतौर पर हर नागरिक को अनिवार्य रूप से अपनी कमाई पर टैक्स भरना होता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। एक तरफ सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा लेकिन इस बीच यह साफ भी चर्चा है कि 8th पे कमीशन के समय ही कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। सूत्रों का दावा है कि सैलरी में होने वाला यह इजाफा 6ठे वेतन आयोग से ज्यादा हो सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उसके बाद ही कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन पर कोई भी बात होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। 2024 के चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी पर फैसला होगा।
कुछ समय पहले ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सभी तरह की सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग जरूरी किया था, जिसके बाद पूरे देश में नकली हॉल मार्क का चलन तेजी से बढ़ गया है। सूत्रों ने कहा कि ज्वेलरी निर्माता तस्करी वाला सोना खरीदते हैं, उसी पर अवैध तरीके से हॉल मार्किंग कर खुदरा बाजार में बेच रहे हैं। इस तरह के सोने प्रति ग्राम 200-300 रुपए सस्ते में बेचे जाते हैं, इससे ग्राहक इनकी और ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, जबकि कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। इसी महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिए क्या सोने के ज्यादा आयात और तस्करी के बीच कोई संबंध है। कोरोना रोधी इंट्रानेजल वैक्सीन बाजार में आ गई है, मूल्य निर्धारण भी हो गया है। फिलहाल इसे निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, उनके लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है। वहीं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज के बाद 70 डोज भी लगवा ली है, वे इंट्रानेजल वैक्सीन की चौथी डोज भूल कर न लगवाएं। बता दें कि ऐसा करने पर एंटीजन सिंक फिनोमेना हो सकता है, मतलब यह कि शरीर में अत्यधिक एंटीजन होने से उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। कोरोना वायरस हमला करेगा तो एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान भी नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण का खतरा होगा। एक ट्रेन टिकट से आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही यात्रा कर सकते हैं, ऐसा अधिकतर रेल यात्री मानते हैं। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि एक टिकट पर आप 8 अलग अलग स्टेशनों पर भिन्न भिन्न रेलगाड़ियों में चढ़ सकते हैं, तो शायद आप एक बार में यकीन न करें, लेकिन यह बात 16 आने सच है। रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट नाम से एक स्पेशल टिकट भी जारी करता है, जिस पर कई स्टेशनों की यात्रा की जा सकती है। सरकार एक दो दिनों में पीपीएफ, एनएसएससी और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज बढ़ा सकता है। सरकार को 31 दिसंबर 2022 से पहले पीपीएफ पर ब्याज की घोषणा करनी है। वित्त मंत्रालय को 2022-23 की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करनी है। इसमें ब्याज की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निवेशकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी होगी। बहुत मुमकिन है कि इस आशय का ऐलान 31 दिसंबर 2022 को कर दिया जाए। कंज्यूमर रिटेल कंपनी विजय सेल्स ने अपनी ईयर एंड सेल की घोषणा कर दी है। सेल में लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर शानदार ऑफर मिल रहे हैं। सेल में सैमसंग A13 फोन 14,499 रुपए में उपलब्ध है। वहीं सैमसुई 70 इंच 4K एंड्रॉइड LED टीवी 59,990 रुपए में, लेनेवो IDEO पैड एक लैपटॉप 36,100 रुपए में, LG 8KG की 5-स्टार वॉशिंग मशीन 23,600 रुपए में मिल रही है। सेल में गेमिंग लैपटॉप पर 45% तक की छूट और टैबलेट पर 47% तक की छूट रही है। जहां साल 2022 में महंगाई अपने चरम पर रही, तो वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम इस साल 4 बार बढ़ाए गए, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ा है। साल 2022 में जनता को महंगाई से जरा भी राहत नहीं मिली है। एक साल के अंदर 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 154 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 357 रुपए की गिरावट आई है। साल 2022 में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 18 बार बदलाव किया गया है, जिसमें 6 बार इसके दाम बढ़ाए गए तो वहीं 12 बार इसके दाम घटाए गए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद नौशद राजा, रवि शंकर, के सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अविनेश कुमार, अखिलेश यादव, मोहम्मद इशराफुल, कौशल कुमार झा, संजीत कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, अमर कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऋषभ पंत के न रहने से टीम को कितना नुकसान होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।